हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ अ वेब सीरीज ट्रेलर एंड वेब सीरीज नेम इज स्टेज ऑफ सेज 26/11। पहले हम देखेंगे इस वेब सीरीज का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वेब सीरीज और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस वेब सीरीज का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। याद रखो ये बात, तू जिहाद करेगा अल्लाह तुझे रौब देगा, तुझे याद करेगा अल्लाह तुझे अजमत देगा, याद करेगा अल्लाह तुझे बुलंदी देगा। आप लोग समुद्र के जरिए हिंदुस्तान के धड़कते दिल मुंबई पर हमला करने जा रहे हैं। Under attack from unidentified terrorists. तुम्हारी शहादत तभी कबूल होगी जब इस मिशन को तुम पूरी तरह से अंजाम दोगे। होटल के आसपास शूटर देखे गए। रूम सर्विस। चारों तरफ अफरा तफरी, पकड़े जाने के लिए नहीं मरने आए थे सारे। मुझे भूखा था ना, मैं डरता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी देर में आप मंजर देखोगे। क्या पुलिस ये हैंडल कर सकती है? नो, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस। अपने टीम को रवाना होने के लिए तैयार रखो। यस सर। नगर से दुश्मन के सीने पर होनी चाहिए जिसे चीर कर रख देना है। तैयार हो, शुरू। यस सर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस वेब सीरीज का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी वेब सीरीज के हवाले से। हिंदी लैंग्वेज वेब सीरीज है, एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरपूर है, और मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ था 2008 के अंदर टेरर अटैक, उसके ऊपर ये बेस करता है। और इसको डायरेक्ट किया है मैथ्यू ने, और यह है Z5 ओरिजिनल का। और इसकी जो कास्ट में शामिल है वो है अर्जुन बिजलानी, तारा, अलीशा बैरी, अर्जुन बाजवा, मुकुल देव, सिद्ध मक्कर, सनू, रणदीप चौधरी वगैरह इसकी कास्ट में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे आपसे इस वेब सीरीज़ के हवाले से और ट्रेलर के हवाले से, क्योंकि बड़े अच्छे अंदाज के साथ पेश किया गया है ट्रेलर, जिसमें आप कह लें वेब सीरीज़ की तमाम नुमाया खसूसियात के तमाम पहलू वाजे होकर बेहतरीन तरीके से उजागर हो रहे हैं, जो कि बहुत परफेक्ट तरीके के साथ शूट किया गया है, और जो कि स्क्रीन प्ले की चीज़ लोकेशन बहुत परफेक्ट लग रही है, और बहुत कमाल की सबने एक्टिंग और अदाकारी की है, जो कि आप कह लें बहुत ज़बरदस्त लग रही है, जानदार परफॉर्मेंस से भरपूर। और जैसे कि मैं ट्रेलर को गौर से देख रहा था तो तवज्जो भरपूर हासिल हो रही थी, और मेरा मानना तो ये इसके ऊपर तो मूवी बनानी चाहिए थी बाकायदा, और जो कि ताकि ज़्यादा और लोग देख सकते और अच्छे तरीके के साथ, और जो कि वेब सीरीज़ तो उतने लोग नहीं देखते, लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश की गई और बड़े अच्छे अंदाज के साथ बनाया गया। और एक तरह से आप कह लें जैसे कि अटैक हुआ था, तो ज़्यादातर जितने भी इंडिया के अंदर अटैक होते हैं या ज़्यादातर कहीं पर भी होते हैं, तो नाम मुस्लिम्स पर आ जाता है और इस्लाम के ऊपर नाम आता है, मज़हब के ऊपर नाम आता है और मुसलमान के ऊपर नाम आता है। तो ऐसा होता कुछ यूँ है कि जो है
कुछ केसेस ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं कि लोग पकड़े जाते हैं या कुछ भी होता है तो वो साबित होता है कि वो मुसलमान होते हैं और मज़हब के नाम पे वो करते हैं। दरअसल हकीकत ये होती है कि उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो मुसलमान होते ही नहीं है। वो दरअसल भटके हुए नफ्सियाती मरीज़ और ज़हनी मरीज़ किस्म के लोग होते हैं जो कि इस्लाम और मज़हब को बदनाम करते हैं और कुछ भी नहीं करते। इस्लाम और मज़हब तो अमन का दरस देता है हमें और ये नहीं कहता कि जहाद के नाम पे बम फाड़ो, मज़लूम लोगों को मारो और इस तरह की चीज़ें करो कि मतलब आप कह लें कि अमन अमान तबाह करो। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता और कोई मुसलमान इस तरह का कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी मज़लूम या मासूम इंसान की जान ली जाए, क्योंकि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है। जो लोग भी करते हैं, जिस तरह के करते हैं, तो उनका इस्लाम और मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया के लोग होते हैं और वो इस चीज़ को सिर्फ बदनाम करते हैं। अगर इस्लाम और उनका उस मज़हब से ताल्लुक़ होता इस तरह का या जहाद के नाम पर वो करते इस तरह की चीज़ें, तो मस्जिद के अंदर धमाके क्यों होते? पाकिस्तान की मस्जिदों के अंदर धमाके होते हैं, रिलीजियस चीज़ों के अंदर धमाके होते हैं, मज़ार के अंदर धमाके होते हैं, दरबार में धमाके होते हैं और आप कह लें कि जो मतलब दरगाह इन सब चीज़ों पे धमाके क्यों होते हैं? अगर मुसलमान करते या फिर मुस्लिम लोग करते तो वो अपनी चीज़ों को और अपनी इबादत गाहों को क्यों बमों से उड़ाते? कभी देखा है कि सिनेमा उड़ गया या कोई नाच गाने का क्लब उड़ गया या कुछ इस तरह का हो तो फिर चलो चलता भी है, लेकिन ये जो है आप कह रहे हैं सिर्फ बदनाम किया जाता है और कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल अलग ही भटके हुए और अलग ही दुनिया के मौलाना टाइप लोग इस तरह के होते हैं जो कि इस तरह की चीज़ों की तबलीग देते हैं और इस तरह की हरकतें वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम और बाकी के मासूम मज़लूम लोग भी बदनाम होते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है, काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ बनाया गया। जब आप इसे देखेंगे तो भरपूर तरीके के साथ इन्जॉय कर सकेंगे और सबने काफ़ी अच्छा काम किया, जानदार और शानदार परफॉर्मेंस से भरपूर। और जब आप इसे देख रहे होंगे तो भरपूर आपकी तवज्जो हासिल कर सकेगा। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस वेब सीरीज़ का ट्रेलर और उसको मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू वेब सीरीज़ के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।